अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे ना अपने अपने घरों में? मिस भी आपकी बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हमने एक नया काम करना है, तो सबसे पहले सब अपनी किताब का पेज नंबर 27 खोल लीजिए। ठीक है, चलें देखते हैं कि हमें आज पेज नंबर 27 पे क्या करना है। पढ़िए, लिखिए, लफ्ज़ बनाइए। शाबाश। तो आज हमें क्या करना है? आज हमने पढ़ाई करनी है, फिर लिखना है और नए लफ्ज़ बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? तारीख लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, सब आज की तारीख लिख लीजिए। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं कि हमारे इस सफ़े पे क्या दिया गया है हमें। यहाँ पर तो कुछ अल्फाज दिए गए हैं और हमें तो ये आते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना ये सब। लेकिन फिर भी मिस आपको एक दफ़ा पढ़ा देती हैं। तो चलें बच्चों, सब मेरे साथ पढ़ें। सबसे पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? सोना। शाबाश, मुझे पता था आप लोगों को पता है ये सोना। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? हमने पढ़ा है ना ये, तो हम एक और दफ़ा पढ़ लेते हैं इसे। सोचो। शाबाश। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? शोशा। तोता। हारो। रोका। शाबाश बच्चों, आप लोगों को तो बड़ा अच्छा पढ़ना आता है। इसका मतलब है कि आप बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। अब आपने क्या करना है यहाँ पर? आपको यहाँ पे खाली जगहें नज़र आ रही हैं, आपने यहाँ पर बहुत सफाई से अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी राइटिंग में आपने यहाँ पर इसकी लिखाई करनी है। ठीक है, जो आपको लफ्ज़ दिए गए हैं ना, आपने उनकी बड़ी सफाई से लिखाई करनी है और ये लिखाई करके फिर आप मामा को दिखाइएगा। ठीक है, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया गया है? एक हमें सरगर्मी दी गई है और मुझे तो ये बड़े मज़े की लग रही है और मेरा बहुत दिल कर रहा है सरगर्मी करने का। क्या आप बच्चों ने करनी है सरगर्मी? मुझे पता है आप लोगों ने भी करनी है। चलें देखते हैं कि क्या है इस सरगर्मी के अंदर। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर लफ्ज़ बनाने हैं, हमें दो अलग अलग अल्फाज को मिला के एक नया लफ्ज़ बनाना है। तो चलें देख लेते हैं सबसे पहले क्या हमें यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है ना एक, तो हम पहले उसी से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सो। और सो को किससे मिलाया हुआ है? ना से। तो जब हम इन दो लफ्ज़ को आपस में मिलाएंगे तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा और वो क्या बन जाएगा? सो ना। शाबाश। और फिर इन्होंने क्या किया है? अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी राइटिंग में खाली जगह पर लिख दिया है। तो आप लोगों ने भी बच्चों यही सारा काम करना है। ठीक है, चलें अब हमें एक तो यहाँ पर दिखाई दिया है, अब एक क्या बचा यहाँ पर हमारे पास? देखते हैं हम। शो। शो, वेरी गुड। तो हम शो को किससे मिलाएंगे? अब तो यहाँ पर एक ही बज गया है ना, तो वो तो हम सबको ही पता है हम किससे मिलाएंगे। तो किससे मिला देंगे हम? शाह से। शो शाह। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक लकीर डाल के दोनों को मिला देंगे और फिर प्यारी सी राइटिंग में हम इस ब्लैंक में लिख देंगे। चलें अब हम दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास। सबसे पहला अल्फाज सो। तो क्या हम सो को ता से मिला दें? सो ता, ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा, ये तो कोई अल्फाज नहीं बन रहा। चलें हम दूसरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चो। सो
सोचो, ये तो एक अल्फाज है सोचो। तो अब जल्दी जल्दी आप लोग क्या करें, सो को चो से मिला दें और फिर प्यारी सी राइटिंग में यहाँ खाली जगह पर नीचे लिख देंगे सो चो। शाबाश। अब हम दूसरा देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब हमारे पास तो एक ही बचा है, ऐसे ही है ना, तो हम किससे मिला देंगे इसे, ता से। तो ता, ये तो एक अल्फाज बन गया। ठीक है, तो अब आप खाली जगह पर लिख देंगे तो ता। अब आपको मुझे पता है ये काम करना आ गया है। अब जो ये एक है ना, वो आपने ख़ुद से करना है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी और सफाई से और दिमाग लगा के करना है हम सब ने। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।